हरे कृष्णा मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज मैं बात करूंगी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में अशांति, कलेश और बहुत सारी परेशानियां होती हैं, और इन परेशानियों का जो भी कारण होता है वो बाद में अगर देखा जाए तो अगर मूल कारण को समझा जाए तो वो होता है पैसों की परेशानी। पैसों की तंगी की वजह से कहीं ना कहीं घर में अशांति, आपसी मनमुटाव, या कहीं ना कहीं देखा जाए अगर कोई बीमार है या फिर कहीं पर चिड़चिड़ापन है, और इस तरह से अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या आ रही है तो उसका मूल कारण जो होता है वो लक्ष्मी जी की कृपा ना होना, पैसों की परेशानी, आर्थिक तंगी होना। क्योंकि जब इस तरह की परेशानियां आती हैं, आर्थिक स्थिति खराब होती है, तो बिन बैठे ही बैठे बिना बुलाए कई तरह की परेशानियां वैसे ही आ जाती हैं। यानी कि एक परेशानी तो है, उसके साथ साथ पता नहीं कितनी परेशानियां देखा जाए तो वो आती चली जाती हैं अगर हमारे ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है, अगर हमारे घर में धन का अभाव है। तो ऐसा क्या करें मित्रों कि कम से कम, अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो इतना तो रहे कि कम कोई परेशानी ना आए और हमारा जो घर बार है, हमारी जो रोजी रोटी है वो कम से कम आराम से चलती रहे। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है जिससे आपका जो अगर फीमेल है तो उनका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा, और जो व्यापार कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो जिस तरह का भी कोई काम कर रहे हैं उनका भी जो है वो काम चलता ही रहेगा, चाहे वो धीरे धीरे ही चले, लेकिन कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा कि एकदम से ही उनको खाली हाथ घर पे आना पड़े या फिर खाली हाथ रहें। तो मित्रों, आज मैं बात करती हूँ कि सबसे पहले करना क्या है। आप जानते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा होनी बहुत ज़रूरी है। अगर जिसके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है तो समझ लीजिए उसके ऊपर किसी की भी कृपा नहीं है। जब कोई परेशानी आती है तो कोई भी साथ नहीं देता। आप देखते हैं कि परेशानी में तो ज़्यादातर सभी साथ छोड़ देते हैं। ये तो आजमाई हुई बात है, मैंने खुद आजमाया है इस चीज़ को। कभी भी छोटी मोटी कोई दिक्कत कभी आ भी गई हो तो लोगों ने मुंह फेरे हैं ऐसे कि जैसे कि अगर कोई उन्हें पूछ ले या कोई उनसे बात कर ले तो कभी ऐसा ना हो कि उन्हें कुछ करना पड़ जाए। तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, हर हर घर में होते हैं, रिश्तेदारी में होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना है कि अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छी रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो सेविंग्स करनी बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप जितना कमा रहे हैं उसमें से 10 या 20% की सेविंग आप एक साइड में रख दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब कोई काम नहीं आएगा तो आपकी वही सेविंग्स काम आएंगी। बाकी मैं सपोर्ट के लिए आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताऊँगी, वो आप करिएगा। अगर कोई अपनी दुकान चला रहा है और कोई फीमेल है या जो लेडीज़ हैं वो अगर कोई काम कर रही हैं तो इस तरह के उपाय को वो कर सकती हैं, और बड़ा अच्छा उपाय है ये, बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। और कभी उपाय, इस तरह के उपाय कभी खाली नहीं जाते, बस श्रद्धा और भाव की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ में निरंतर काम करते रहने की भी ज़रूरत है। ये नहीं कि आप खाली बैठ जाएंगे तो ऐसे ही लक्ष्मी जी आ जाएंगी, ऐसा नहीं है। आपको काम करना भी बहुत ज़रूरी है। आपको निरंतर अपने काम में कोशिश करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए और लगे रहना चाहिए अपने काम में। तो मैं बताऊंगी आपको क्या करना है। मैं बताती हूँ आपको, एक कौड़ी जो है वो, ये इस तरह की कौड़ी होती है, ये आप देख रहे हैं, ये कौड़ी है और ये गोमती चक्र है। ये देखिए, ये गोमती चक्र है, ये इसमें चक्र बना हुआ है, एक कौड़ी और एक गोमती चक्र, ये आपको अपने पर्स में रखना है। पर्स में रखने से पहले क्या करना है कि इन्हें अभिमंत्रित करना है। ये गोमती चक्र और कौड़ी को अभिमंत्रित करना है वो लक्ष्मी जी के बीज मंत्रों से। बीज मंत्र है ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ये लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। और बीज मंत्र की पावर इतनी ज़्यादा होती है, उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपना असर ज़रूर दिखाती है, अपना काम ज़रूर करती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि लक्ष्मी जी की फ़ोटो लेकर के आपको अपनी सुविधा के अनुसार सुबह या शाम दीपक जलाना है, और साथ में ये जो कौड़ियाँ मैंने आपको दिखाई है, जो कौड़ी और ये गोमती चक्र जो है, इसको आपको रखना है लक्ष्मी जी के आगे, और धूप दीप जलाकर लक्ष्मी जी का बीज मंत्रों का जाप करना है। आप 11 बार 21 बार 108 बार हो सके तो करिए, और वो रेगुलर करिए। आप देखेंगे कि आपका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा। आपके काम में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप ज़्यादा दिनों तक खाली बैठे रहें या ज़्यादा दिनों तक ऐसा कुछ ना हो कि आपका काम ना चले।
आप देखिए, मेहनत भी ज़रूरी है, काम भी इतना ज़रूरी है, अपना प्रयास भी बहुत ज़रूरी है, और साथ में ये लक्ष्मी माता की जो कृपा है, ये जो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये आएगी बीज मंत्रों का जाप करने से, और आप देखेंगे कि जब आप इसका जाप कर लेते हैं तो उसमें इतनी एनर्जी आ जाती है, इनमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि जब आप ये पर्स में रखेंगे तो ये अपना काम खुद ही करेंगी। आपको क्या करना है, आपको बस अपना अपने मेहनत और श्रद्धा और लगन से अपना काम करते रहना है, बाकी इनका भी सपोर्ट रहेगा। आप देखेंगे आपका पर्स और बटुआ कभी खाली नहीं होगा, और आप पूरे भाव और विश्वास के साथ करिए। बाकी लक्ष्मी जी से रिलेटेड अब बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जो बहुत सारी ऐसी उनकी साधनाएं हैं जो कि और ज़्यादा फलीभूत होंगी, वो मैं दीपावली के अवसर पे कैसे की जाए वो मैं बताऊंगी आपको। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि हमारी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मिल जाएँ। अगर किसी भी तरह का कोई आपके मन में कोई सवाल है या प्रश्न है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उनका जवाब ज़रूर दूँगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।